हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो रीडिंग 2190। मेरे इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं आज जो रीडिंग लेने जा रही हूँ दैट इज़ रिगार्डिंग योर पर्सन्स फीलिंग। आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप है शायद, जिसकी वजह से वो अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं। चलिए देखते हैं वो आज किस थॉट में है, क्या सोच रहे हैं और क्या चाहते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, दिस इज जनरल रीडिंग। ये जिसके साथ भी रेजोनेट करे वो इसको रखें, बाकी जिसके साथ रेजोनेट ना करे वो इसको शेयर कर दीजिए। हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत किसी और को हो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आप इस कार्ड के साथ और मेरे साथ बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं इन कार्ड्स के थ्रू ऑल द डिवाइन एनर्जीज। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को ये बताइए कि इनके पार्टनर इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट रिलेशन में है और उनके दिमाग में क्या अभी चल रहा है, क्या रीज़न है, क्यों हुआ, क्या हुआ। चलिए जानते हैं ऑल द डिवाइन एनर्जीज। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को ये बताइए कि उनके पार्टनर आज किस थॉट में हैं। सी दिस, पहला ही कार्ड बहुत अच्छा आ गया है। चलिए देखते हैं आगे और क्या कार्ड्स बोल रहे हैं। सी दिस, कितना परेशान है वो आपसे नो कॉन्टैक्ट के बाद। ठीक है, देखते हैं आज वो क्या बोल रहे हैं, आज वो क्या चाह रहे हैं। सी दिस, बहुत ज़्यादा परेशान है उन्हें आपसे नो कॉन्टैक्ट करने के बाद। बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, वो बहुत ही ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। आपका जो भी आपस में आप लोगों ने जो टाइम स्पेंड किया है वो बहुत ही अच्छा टाइम था। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने एंजॉय किया, आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। आप दोनों एक दूसरे के लिए वेट करते थे, आप दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते थे, बहुत सारी चीज़ें शेयर भी करते थे, आपके इमोशंस भी आपस में मैच करते थे। बहुत सारी बातें हैं जो आप उनसे कहना चाहते थे या वो आपसे कहना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से ये कॉन्टैक्ट आप लोगों का छूट गया है। तो ये क्या है, लेकिन आज जो मैं इस रीडिंग के थ्रू देख रही हूँ वो ये कि वो आज आपसे नो कॉन्टैक्ट करके बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। वक्त ने उन्हें मजबूर कर दिया है कि वो आपसे माफ़ी मांगें। वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, वो आपको शायद ढूंढ भी रहे हैं, आपसे शायद बात भी करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने में गिल्ट फील कर रहे हैं क्योंकि शायद उन्होंने कुछ ऐसा आपसे कह दिया या कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपने ही उनसे कॉन्टैक्ट तोड़ दिया है। और वो अभी बहुत ज़्यादा गिल्ट में हैं, वो चाहते हैं आपसे कॉन्टैक्ट करना, आपसे बात करना, आपसे माफ़ी मांगना। वक्त, देखिए वक्त कितना अच्छा, कितना ताकतवर होता है। इतना सब होने के बाद उनको ये फील हो रहा है कि नहीं, उन्होंने काफ़ी गलत किया, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है आपसे अलग होने के बाद। उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उनसे जो गलती हुई है, उन्होंने जो आपसे कह दिया है या जो उन्होंने आपसे बोल दिया है, वो आज उनको भुगतना पड़ रहा है। आप भी उनका वेट कर रहे हैं कि शायद वो आए माफ़ी मांगे अपने किए की, तो वो टाइम ज़रूर आएगा। वो देखिए वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को फेस कर रहे हैं और आपके पास वो आने के लिए सोच रहे हैं। तो अगर आप भी उनके लिए वेट कर रहे हैं और अगर वो आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि टाइम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जो समय निकल गया उस पर सिर्फ पछता रहे हैं, जो उन्होंने किया उस पर सिर्फ उनको तकलीफ़ हो रही है और वो अभी कुछ ढूंढ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आप भी मिस कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ बात क्या है कि कुछ आपस में कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में है। बट अभी वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपसे वो आते हैं और आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए, क्योंकि ये रिलेशन बहुत अच्छा था आप दोनों का। आप दोनों आपस में बहुत अच्छे से रहते थे, है ना, आप लोगों की फीलिंग्स बहुत अच्छी थी एक दूसरे के लिए और बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशन आप लोग करना चाहते थे। बस शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो भी आज हुआ या जो भी अभी
टाइम में हुआ है वो इम्प्रूव हो रहा है, राइट। तो कोशिश करें, अगर वो कांटेक्ट करते हैं तो आप बिल्कुल बात कीजिए, क्योंकि ये रिलेशन बहुत अच्छा है और आगे ज़रूर चलेगा, राइट। कुछ ना कुछ डिवाइन ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए आ रही हैं, जिसकी वजह से उनका दिमाग अभी घूम रहा है आपकी तरफ वापस। तो दिस वॉज रीडिंग, फटाफट से शेयर ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर माई नेक्स्ट रीडिंग। आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे DM कीजिए। पेड सेशंस भी हम लेते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पेजेस हैं मेरे, उनको फॉलो ज़रूर कर लीजिए। आगे आने वाले टाइम में हम लाइव सेशंस भी लेंगे, तो आप लोग फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर टैरो रीडिंग 2190 एंड सेम ऑन द फेसबुक। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में येस क्लेम कीजिए, 111 क्लेम कीजिए, और यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए। बजरंग बली आपकी लाइफ में बहुत खुशियां लेकर आए, आज का दिन आपका शुभ हो। धन्यवाद।